नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल दृष्टिकोण में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप किसी प्रकार के ऑडियो वीडियो के लिए कैसे आप मोबाइल से थंबनेल बना सकते हैं। आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो गाइज, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबाएं, ताकि मैं इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता हूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो गाइज, इसके लिए एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगा, जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मैं अपने मोबाइल स्क्रीन की ओर। तो गाइज देखिए, यहाँ पे ये एप्लीकेशन है जिसका नाम है पिक्सल लाइव एप्लीकेशन। आपको मैं ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको एक डैशबोर्ड खुल जाएगा, जो इस तरह से मिलेगा। मेरे यहाँ पे लिख रहा है कन्फर्मेशन। आपको यहाँ पे मैं एक प्रोजेक्ट बनाकर रखा हूँ, जो आपको सिर्फ समझाने के लिए कि आप इसी तरह का कैसे आप मोबाइल से बना सकते हैं थंबनेल। तो आज चलिए आप मैं यहाँ पर आपको ओके करके दिखाता हूँ कि कैसा मैं बनाया हूँ। आपको इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए, मेरा ये प्रोजेक्ट है। आपको ए हाइपी निवार का मैं थंबनेल बनाया हूँ, जो आपके लिए बहुत ये फायदेमंद रहेगा। तो गाइज, आपको इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे सब किया हूँ और कैसे आपको करना है। देखिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले इसका साइज लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर देखिए सब लॉक लगा हुआ है, जो कि मैं लॉक लगा कर रखा हूँ। तो सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको इसका जो कि आप किसी प्रकार के अगर आप YouTube के लिए वीडियो बना रहे हैं तो उसका साइज़ क्या होता है, आज इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। आपको इस पर क्लिक करना है 3 डॉट पर। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं इमेजेस साइज पर जाना है और यहाँ से आपको साइज चूज कर लेना है। देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि 1280 से और 1720 का इसका साइज होता है, जो कि यहाँ पे विड्थ इसका हो जाता है 1280 और हाइट हो जाता है 720। और यहाँ पे आपको प्रीसेट इसका मिलता है, जो कि आपको यहाँ पर जाना है टिक के निशान पर। जाने के बाद आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ पे। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है यूट्यूब थंबनेल। तो आप यूट्यूब के लिए अगर थंबनेल बनाते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है और इस पर आपको के पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। उसके बाद आपको ये सब डिज़ाइन करना होगा, जो कि यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो ये लाल वाला पट्टी वाला आपको लग रहा है, इसको मैं आपको देने वाला हूँ। मैं आपको जो बॉर्डर है आपको सब डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देख रहे हैं जो रेडियस का ऑप्शन मिला है, वहाँ पर कैसे इसको लगाते हैं आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना है या इसको लॉक ओपन कर देते हैं। यहाँ पर जाकर यहाँ पर देख लेते हैं 2020 का रेडियस। यहाँ पर देखिए, इसका रेडियस यहाँ पर लॉक ओपन है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जाना है, इस पर एक ही ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। उसके बाद आपको आगे आ जाना है। आगे आने के बाद आपको एक ये ऑप्शन मिलेगा, बैकग्राउंड का ऑप्शन। चलिए, यहाँ पे हट गया। चलिए, इस पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर आपको जाकर दिखा देते हैं कहाँ पे। देखिए, ये बैकग्राउंड आपको मिलेगा, इस बैकग्राउंड पर आपको क्लिक करना है। इसे क्लिक करेंगे, उसके नीचे आपको आ जाना है। देखिए, यहाँ पे कलर भी उसका चेंज कर सकते हैं। देखिए, इस तरह का कलर आप कर सकते हैं। देखिए, तो मैं यहाँ पर काला कर देता हूँ और यहाँ पर देख रहे हैं नीचे आपको आना है और यहाँ पर रेडियस का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। देखिए, यहाँ पे रेडियस का ऑप्शन, आपको इसको फुल कर देना है। चलिए, देखिए, हम फुल कर दिए हैं। देखिए, इसको जैसे हटाएंगे आपको इस तरह से हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं एक आयत बन जा रहा है। इसको करने के लिए आपको रेडियस करने के लिए आपको इस तरह का डिजाइन ओके मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे लेंथ इसका बढ़ा लेना है, लेफ्ट राइट करके कितना रहेगा लेफ्ट और राइट, यहाँ पे आपको कर लेना है। चलिए, इतना हम कर लेंगे। करने के बाद आपको यहाँ पे ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद ये तो हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो कलर 2020 में जो लगा हुआ है वो कैसे लगाते हैं आपको बता देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं वही चीज़ है जो रेडियस हम लिखा हुआ है। तो आपको ये वाला रेडियस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको चल जाना है बैकग्राउंड में। बैकग्राउंड में जाने के बाद आपको इस तरह से आपको नीचे देखिए रेडियस का ऑप्शन मिल जाएगा, 77 किए हैं इसका, आपको इस तरह से कर लेना। करने के बाद आपको यहाँ पे ओके के निशान पर क्लिक करना है।
करने के बाद आपको यहाँ पे कलर देख रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे आ जाना है आपको कलर में। कलर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख रहे हैं कि दो दो जो कलर लगा हुआ है वो कैसे लगता है आपको बता दें। देखिए यहाँ पे उसमें दो कलर लगाने के लिए आपको इसका जो है साइज यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे इस तरह से आपको कर लेना है। आधा सिलेक्ट करना है, आधा नहीं करना है, आपको इस तरह से मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे रंग सिलेक्ट कर लेते हैं, देखिए इस तरह से तीन कलर हो गया, ठीक है यहाँ पे देख रहे हैं तीन कलर हो गया। उसके बाद आप कोई इसमें कलर चेंज दूसरा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए इस तरह से हो गया और उसके पर क्लिक कर देना। करने के बाद आपको उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि सिंगर का नाम ऊपर में जो लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है। चलिए यहाँ पे लॉक लगा हुआ है तो लॉक हम खोल देते हैं। यहाँ पे जाकर यहाँ से आप लॉक लगा सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए लॉक सब लगा हुआ है तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। चलिए यहाँ पे लॉक खोल लेते हैं, इसको लॉक को रह लेते हैं और यहाँ पे जो है इसको, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है आपको और देख सकते हैं इस तरह से मेरा ये आ गया। उसके बाद करने के बाद आपको नीचे यहाँ आ जाना है, यहाँ पे स्टोक देखिए यहाँ पे जो देख रहे हैं कि हल्का हल्का जो बैकग्राउंड में उसका जो आया है पट्टी की तरह ब्लैक, आपको उसको करने के लिए यहाँ पे स्टोक पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे करने के बाद आपको यहाँ से कोई एक ले लेना, देखिए इस तरह से आपको स्टोक शो हो जाएगा। चलिए यहाँ पे एक कला वाला रंग देते हैं, देखिए यहाँ पे आप और इसको बढ़ा सकते हैं, देखिए इस तरह से कर सकते हैं तो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। चलिए उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं एक पट्टी किस तरह आपको मिल रहा होगा नीचे, आपको उसको करने के लिए किसने कुछ नहीं करना है, आपको इधर आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, करने के बाद यहाँ पे आपको देखिए इस तरह से आपको कर लेना, देखिए इसको ऑपेसिटी जो है आपको इसको बढ़ा लेना है। और ये ऑप्शन कहाँ मिलेगा, 3D शैडो पर आपको आना है, शैडो पाने के बाद आपको हाईलाइटेड हो जाएगा। चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं, करने के बाद आपको इस तरह से कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं शैडो 3D शैडो पर, यहाँ पर ये कट जा रहा है तो आराम आराम से करना है और यहाँ पे आ जाना है बाइक और यहाँ पे आपको देखिए 3D शैडो का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपको इस तरह का मिलेगा, यहाँ पे बहुत सा ऑप्शन देखिए यहाँ पे हो जा रहा है ग्रीन और तो आपको इस तरह से कर लेना। चलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ, देख रहे हैं यहाँ पे खेसारी लाल का जो आया है इसको करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको आ जाना है स्टॉक में। स्टॉक में आने के लिए आपको यहाँ पे आना है, स्टॉक मिला हुआ कहीं होगा, देखिए यहाँ पे स्टॉक का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, यहाँ पर इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको स्टॉक कर सकते हैं, आपको बता चुके हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं जो आपको ये बॉर्डर मिल रहा है, आपको बॉर्डर का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर डाउनलोड करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इमेजेस लगाया हूँ, जो आपको इमेजेस का भी मैं लिंक दे दूंगा, आपको सेलेक्ट करके लग रखते हैं इसको। उसके बाद आपको इस तरह से कर लेना, करने के बाद आपको यहाँ पे देख रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर का जो ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं आपको ऊपर से दिए हैं, जो आप भी देख सकते हैं। इसको देने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आ जाना थी 3D टेस्ट में आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 3D टेस्ट मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको 3D टेस्ट बना सकते हैं। चलिए देख सकते हैं यहाँ पर 3D आपको टेस्ट मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर इस तरह से 3D टेस्ट बना सकते हैं, आपको आराम आराम से कर लेना। चलिए यहाँ पर लेंथ से आप कुछ चेंजेस कर देते हैं, देखिए इस तरह से आपको बना सकते हैं, देखिए इस तरह से हम कर लेते हैं। करने के लिए आपको और यहाँ पे लेफ्ट राइट अपना बढ़ा घटा सकते हैं। चलिए तो मैं आगे नेक्स्ट पर चलता हूँ। करने के बाद यहाँ पे आप फोटो लगा सकते हैं, फोटो अपने हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर लगाना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे भी देख सकते हैं आप, जो मैं यहाँ पे हैप्पी न्यू ईयर वाला जो पोस्टर बनाया हूँ, जो यहाँ पे टेस्ट बनाया हूँ, इसका मैं देख सकते हैं आप 3D यहाँ पे जाना है, 3D टेस्ट पर जाना है और यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पे इसका मैं डिप्थ रखा हूँ इतना 40, आपको 30-40 रखना है, अच्छा लगेगा। उसके बाद यहाँ पे आप बढ़ा सकते हैं इसको डार्केन और यहाँ पे स्टोक है, यहाँ पे स्टोक कर सकते हैं, किस तरह से आपको स्टोक करना है इस तरह से भी कर सकते हैं आप। चलिए तो ये हो गया, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आना है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो गीतकार यादव जी लिखे हुए हैं, आपको इस तरह से करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले इसका लॉग ओपन कर देते हैं यादव जी। चलिए यहाँ पे ऊपर में आपको क्लिक करना है, करने के बाद आपको इस तरह से देखिए मिलेगा ये,
आपको इसको सही आपको करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे चला जाना है। आपको अंतिम में जाने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा एक ऑप्शन, चलिए क्लिक कर लेते हैं। जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, चलिए आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर 3D शैडो पर क्लिक करना है, जैसे शैडो पर आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर मिलेगा ये ऑप्शन जो पट्टी की तरह है लाइन। आपको देखिए इसको हमें हाइड कर देना है, देखिए यहाँ पर आपको कैपेसिटी इसका बढ़ा दिया है, उसके बाद इस पर क्लिक करें। तो आज के लिए इतना ही, और मैं आपको ये बॉर्डर जितना भी बॉर्डर है आपको देने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन लिंक, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आपको दिखा देते हैं कि आपको ये सब कहाँ मिलेगा। सेव करने के लिए आपको यहाँ पर जाना है और यहाँ पर सेव पेज पर क्लिक करके हम सेव कर लेंगे। चलिए सेव कर लिए और आपको चलिए दिखाते हैं कि कहाँ रखा हूँ सब प्रोजेक्ट। यहाँ पर क्लिक करके और देखिए मैं यहाँ पर बहुत सा बना कर भी रखा हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक दे दूँगा, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं बैकग्राउंड भी आपको दे दूंगा, देखिए इस तरह से आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर है, मैं आपको आल ये सब बंडल दे दूंगा जो आप इसके तरह से लोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सब है, एक से एक बढ़कर आपको डिजाइन मिल जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कैसे बनता है, और मैं अगले वीडियो में आपको लोगो बनाना सिखाऊंगा कि कैसे अपने आप के लोगो बना सकते हैं। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए एक परेशानी से।